हमें आज ज़ेलेंस्की के उस सीक्रेट दौरे का जिक्र करेंगे, पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद यूक्रेन की वायुसेना बुरी तरह फंस गई। ज़ेलेंस्की ने जाने अनजाने एक ऐसी गलती कर दी जिसका सबसे बड़ा फायदा पुतिन को होगा। ज़ेलेंस्की ने एक मिसाइल पर भी खुफिया मैसेज लिखा है और सब पूछ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। तीन मिनट के एक वीडियो में ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने उस मिसाइल पर युद्ध वाली चिट्ठी लिखी है जिसे नेटो ने खास तौर पर यूक्रेन को तोहफे में दिया है। इस मिसाइल के टारगेट पर पुतिन हैं और ज़ेलेंस्की ने जो इस पर लिखा है वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध के खिलाफ जहर उगला है। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने वो हथियार बहुत खामोशी से दिखा दिए जिसके बारे में जानने के लिए पुतिन के खुफिया एजेंसियां महीनों से काम पर लगी हुई थीं। इस वीडियो में अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाया गया। इस वीडियो में जर्मनी से मिला आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम भी साफ साफ नजर आया। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने पहली बार दुनिया को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी दिखाई। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से मिली स्काल्प मिसाइल को भी सबके सामने पेश कर दिया और फिर उस पर लिखा यूक्रेन जिंदाबाद। ये यूक्रेन का बहुत ही सीक्रेट एयरबेस है और यहाँ नेटो के वो हथियार रखे गए हैं जो अभी तक यूक्रेन ने दुनिया को नहीं दिखाए थे, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ इतना माल वो भी सिर्फ तीन मिनट के वीडियो में रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया गया है। क्या ये ज़ेलेंस्की की खुफिया नाकामी है या कोई ऐसी चाल जिसमें वो पुतिन को फंसाना चाहते हैं? पुतिन को चैलेंज करने के लिए इस बार फाइटर जेट पर सवार हुए। ये युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की की सबसे आक्रामक तस्वीर है। ज़ेलेंस्की एक MiG-29 विमान में बैठे हैं, जो सोवियत संघ के दौर का लड़ाकू विमान है। इस तरह ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि वो रूस को उसी के बनाए गए हथियारों से हरा कर दिखाएंगे। Наші воїни збили понад 3,5 тисячі різних повітряних цілей, літаків та вертольотів окупанта, їхні ракети і ще понад 2 тисячі ударних дронів. Юкрейн ка дава хе кі во аб так рус ке 315 файтер джет маркер гіра чука хе. ज़ेलेंस्की ка дава хе кі во रूस के 311 हेलीकॉप्टर को खत्म कर चुके हैं। रूस के 4000 से ज्यादा ड्रोन खत्म करने का दावा किया जा रहा है। रूस की 1300 से ज्यादा क्रूज मिसाइल गिराने की बात हो रही है। ये आंकड़े ज़ेलेंस्की के हैं और ये पुतिन को बेइज्जत करने के लिए रोज जारी किए जाते हैं। ज़ेलेंस्की का इस सीक्रेट एयरबेस का दौरा एक बड़े मकसद के साथ दुनिया भर में टीवी पर दिखाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के मकसद को यहाँ बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने यहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या दिखाया, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में उन हथियारों की सबसे खतरनाक बात भी शामिल की गई है। सबसे पहले बात ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल की और साथ में फ्रांस से मिली स्काल्प क्रूज मिसाइल की। ज़ेलेंस्की ने ये दोनों मिसाइल देखी या कहें कि दुनिया को दिखाई। ज़ेलेंस्की इन दोनों मिसाइलों से पुतिन को डराना चाहते हैं। खास बात यह है कि ये दोनों मिसाइल एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया है।
जो मिसाइलें यूक्रेन को दी गई हैं, उनमें स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर है और स्काल्प मिसाइल की रेंज भी 250 किलोमीटर है। दोनों ही विमान से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल हैं। इन दोनों मिसाइल को लेकर रूस की फौज में खौफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए नेटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के दो वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो और स्काल्प मिसाइल से लैस हैं। यूक्रेन का सुखोई 24 विमान टारगेट से 250 किलोमीटर दूर स्टॉर्म शैडो या फिर स्काल्प मिसाइल को लॉन्च करता है। उसके बाद ये मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है और हमले से एन पहले ये दोनों मिसाइल एक ऊंचाई तक जाती हैं और फिर डाइव करके अपने टारगेट पर हिट करती हैं। यानी कि टारगेट से 250 किलोमीटर दूर रहकर यूक्रेन की एयरफोर्स रूस के ठिकानों पर वार करती है। ऐसा जेलेंस्की की एयरफोर्स अब लगातार कर रही है और जो नुकसान पुतिन को हो रहा है उसके वीडियो और तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। क्राइमिया सप्लाई लाइन पर जेलेंस्की की एयरफोर्स कैसे इन मिसाइलों से लगातार अटैक कर रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इन मिसाइलों से क्राइमिया में चोनार ब्रिज पर हमला किया गया, हेनिचेस्क ब्रिज पर भी हमला हुआ। ये दोनों पुल रूस की सप्लाई लाइन का अहम हिस्सा है और यहाँ पर मिसाइल अटैक करके जेलेंस्की ने बताने की कोशिश की है कि रूस की सेना खुद को सुरक्षित न समझे। इन हथियारों की कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं, जिससे समझा जा सकता है कि नेटो से मिली ये मिसाइलें कितना सटीक हमला करती हैं। इन हमलों की कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं। ये हमले पुतिन को वाकई चिंता में डाल सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि क्राइमिया पर लगातार ऐसे हमले रूस को कमजोर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। स्टॉर्म शैडो और स्काल्प मिसाइल से अटैक करके जेलेंस्की क्राइमिया और खेरसोन के बीच का लिंक तोड़ना चाहते हैं। पुतिन क्राइमिया में कमजोर पड़े तो खेरसोन के पूर्वी हिस्से से भी उनको अपनी फौज को पीछे हटाना पड़ेगा। नदी के पार यानी खेरसोन का पश्चिमी हिस्सा तो उनसे पहले ही जेलेंस्की छीन चुके हैं। जेलेंस्की जिस एयरपोर्ट बेस गए वहाँ दो बहुत ही खास एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया ने पहली बार देखे। यूक्रेन की जमीन पर पैट्रियट और IRIS-T इन दो एयर डिफेंस सिस्टम की ये पहली तस्वीरें हैं। दुनिया भर में मशहूर अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से पहले जर्मनी के IRIS-T के बारे में जानिए। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है। लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस अपनी बमबारी में जेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा है। Але поки що систем ППО недостатньо, щоб повністю закрити все українське небо від Росії. Але ми всі працюємо над цим, працюємо щоденно, постійно, щоб стало достатньо. Переконуємо партнерів, що швидкість постачання того, про що домовились, це ключовий фактор. І ми обов'язково створимо надійний повітряний щит України, який зможе бути основою повітряного щита всієї Європи. Чаги во S-300 хо, я фір БАК місайл, рус кі пін пойнт екюресі вале хатьяро не यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए हैं। इसलिए जब IRIS-T मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आया तो कह सकते हैं कि उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर से जिंदा हो गई है। ऐसे में रूस के विमानों के लिए अब यूक्रेन में उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये कीव और खारकीव जैसे शहरों को रूस की बमबारी से बचाएगा। इसकी जद में आने वाले रशियन एयरफोर्स के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर
या फिर ड्रोन का बचना आसान नहीं होगा। З найбільш важливих результатів стало саме те, що українські герої приземлили російський культ ракет. Цей культ знищений назавжди. Держава-терорист довго намагалась залякувати не тільки Україну, Європу, весь світ своїми ракетами, які нібито неможливо збити. Українці їх збили, українці їх знищили. जेलेंस्की को जो भी नए हथियार मिल रहे हैं उसके लिए रूस ने नेटो और अमेरिका को अपने टारगेट पर लिया हुआ है। अगस्त में ही पुतिन ने स्टॉर्म शैडो के कई गोदाम उड़ा दिए हैं। हालांकि इसमें जेलेंस्की को कितना नुकसान हुआ यह भी साफ नहीं है, लेकिन जेलेंस्की सिर्फ डिफेंसिव हथियारों के बलबूते युद्ध नहीं लड़ना चाहते। जेलेंस्की आक्रामक होना चाहते हैं और काउंटर अटैक वाले अभियान के साथ वो अपने तेवर बहुत पहले साफ कर चुके हैं। जेलेंस्की के इन तेवरों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका का फाइटर जेट F-16 है, जिसकी अभी तक डिलीवरी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जेलेंस्की का हौसला इस विमान को लेकर सातवें आसमान पर अभी से पहुंचा हुआ है। І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть ще більше сили нашому захисту. Українські повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть ще потужнішими. लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का बनाया गया ये लड़ाकू विमान बहुत जल्दी यूक्रेन को मिल सकता है, लेकिन अंदर की खबर जेलेंस्की को बेचैन कर सकती है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी जेलेंस्की को लगता है F-16 आएगा, तो कभी जेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है, क्योंकि इसकी डिलीवरी डेट 2024 तक पहुंच जाती है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है। फिलहाल पुतिन और जेलेंस्की दोनों एक दूसरे को अगस्त के महीने में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पुतिन इसलिए भी जल्दी में हैं क्योंकि काउंटर अटैक को कामयाब बनाने के लिए बाइडेन और उनके साथियों ने अपने हथियार के गोदाम पूरी तरह खोल दिए हैं। और इस वक्त